बहुत अच्छा लगा, जेन्युइन क्वालिटी के क्वालिटी वर्क में, और प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा था। ओईएम फिटिंग पे करके दिए, जहाँ पे कंपनी करके दिए। कम बकेट फिटिंग आती है, बस इसको हमें इंस्टॉल करना होता है, ठीक है, और 1 ईयर की वारंटी आती है इन मैच में। मतलब प्रोजेक्टर की खाली है रिस्पांस है भाई, प्रोजेक्टर की रोशनी है, बिल्कुल भाई, पूरा दिन निकाल दिया आगे। करोल बाग से तो बेटर ही, बहुत बेहतर है वहाँ तो, 420 है वहाँ तो, बस जाना ही बेकार है। मुझे पर्सनली सही बता रहा हूँ, पहली बार मुझे देख करके अच्छा लगा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिटी आपको A1 मिलने वाली आता है, ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर, अच्छा कॉफी कलर, मतलब मैचिंग में एकदम करा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अलॉय व्हील्स की जगह पर जो आपको यहाँ पे व्हील स्टील रिम्स जो हम बिल्कुल रिम जो मिलती है आपको, वो रिम जो है यहाँ पे उतार दी गई है चारों, और जिसके अंदर ये बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे महिंद्रा की बैजिंग रहती है, ठीक है। तो ये हमने चेंज करके यहाँ पर अलॉय व्हील्स लगा दिए, जो कि कंपनी जनरल होने वाले महिंद्रा जेंटमैन है। इसमें क्या होता है, इसे हम सस्ते हुए अलॉय बताते हैं, ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है लोग उतरे हुए लगाते हैं, 17 इंच का अलॉय लगवाने तो वो आपको बहुत सस्ते में दे देंगे, इसको दे देंगे क्योंकि वो उनको प्रेम आए कि वो उतार देंगे उतारे हुए अलॉय। क्या होता है, जैसे आप है अपनी गाड़ी लेके, तो उसमें आपने कुछ अच्छे 21 इंची 22 इंच लगवा लिए, 17 इंची तरह कस्टमर भी काम करते हैं, तो वो वहीं रखते हैं। और वैसे टॉप मॉडल में आते हैं कितने इंच, वैसे टॉप मॉडल में 18 इंचेस आते हैं, पर इसमें हमने जो टॉप से नीचे वाला आता है 17 इंच आता है, क्योंकि टायर चेंज होता है तो उसके बजट को पता चला। बिल्कुल भाई, तो अभी इसके अंदर जो हमें डाले कंपनी जेनमेंट डाले हैं 17 इंचेस। अच्छा 17 इंचेस के जगह यहाँ पे बॉक्सेस रखे हुए भाई। और जब भी कोई कहीं से भी अलॉय देखना ना, सबसे जरूरी है कि महिंद्रा की जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स वाला डब्बा हो। बिल्कुल, और यहाँ पर जो बार कोड भी दिया हुआ है और पार्ट नंबर पर सबको लिखा होता है, प्रॉपर बेजल वगैरह क्या वही उनको हमने रिटेन करके उसमें 17 वही इसके ऊपर टायर लगा हुए। बाकी आप चाहें तो टायर अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको इसमें थोड़े और अच्छे टायर जेन्युइन ही बोल सकते हो लुक में, और 5 इंचेस के अंदर आता है, मतलब आपका पैर जो है पूरा आएगा, स्लिप वगैरह का दिक्कत नहीं रहेगी, मजबूती पूरी रहेगी, फिटिंग पूरी एल्बनाइज होती है, खराब नहीं होता, जल्दी खराब नहीं होता, और प्रॉपर लुक जो है आपका जेन्युइन वाला दिया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे टीशर्ट भी अलॉय व्हील्स के आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी क्या नाम है जो रेन वाइजर वगैरह है, गार्निश वगैरह है, वो नेक्स्ट टाइम में भैया करवाएंगे। बैक साइड में काम क्या करा है भाई, सेम वही हाइकर कंपनी का, यहाँ सेम भाई, इसमें मैंने फिर दोबारा हाइकर कंपनी का पहली बार भाई देख रहा हूँ कि बैक गार्ड थोड़ा लुक में अच्छा लग रहा है ना, ज्यादातर लुक में मतलब लुक खराब करते हैं, लुक खराब करते हैं, ये स्पेशली महिंद्रा जेंटमैन होता है हाइकर का, ठीक है, हम हाइकर का ही यूज करते हैं पूरा प्रोडक्ट, अच्छा, चाहे गार्ड हो चाहे आपका फुटरेस्ट हो, महंगा जरूर हो पर चीज बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल चीज अच्छी होगी, और कितनी प्यारी लुक दे रहा है ये गाड़ी को, ऐसा लग रहा है कि मतलब हाँ इस गाड़ी के लिए बनाया है ना, तो बिल्कुल। इसके बाद कैमरा सेटअप वगैरह, इस कैमरा भी लगाएंगे इसमें लगाने वाला, अभी अंदर का काम आपको दिखाती है किस तरीके से चल रहा है, अभी यहाँ पर पूरी फिटिंग जो है सीट कवर्स वगैरह की जो है अभी बिल्कुल हुई नहीं है, पूरी गाड़ी अंदर से खुली पड़ी है,
तो सीट स्टोन की फिटिंग वगैरह भी चल रही है यहाँ पर, और सीट स्टोन यहाँ पर हो चुके हैं फिट है ना। हाँ, पीछे के हो चुके हैं, ठीक है, आगे की और पीछे की बस ड्राइविंग सीट रह रही है, उसकी फिटिंग रह रही है। तो ये भैया की चॉइस थी पूरी? हाँ, ये मेरी चॉइस थी। अच्छा, उसका ब्लैक और ब्राउन तो ये कस्टमाइज है आपके पास बने हुए? कस्टमाइज बनवाते हैं हर गाड़ी के। अच्छा, क्योंकि देखो आजकल सबकी चॉइस अलग होती है, तो कस्टमाइज ज्यादा बनाना बेटर रहता है। ठीक है, तो मतलब आप फोटोज वगैरह उनको डिजाइन दिखा देंगे? डिजाइन दिखा देंगे, कपड़ा दिखाते हैं। बिल्कुल, कपड़ा और डिजाइन आप देख करके अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, उस हिसाब से कस्टमाइज होगा। कस्टमाइज। अच्छा, अगर खाली सीट कवर कस्टमाइज करवा करके लगवाना हो किसी गाड़ी में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाली सीट कवर चेंज करना है, तो कितना टाइम हो जाता है? डिपेंड करता है हम किस कपड़े में जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा स्टार्टिंग कपड़े जा रहे हैं, इसको देता हूँ। अगर हम अच्छी थोड़ा जैक स्पीड या ऑफर हमारा टाइप करते हैं, अच्छा, तो अगर रेडी है तो वेलन गुड है, कस्टमर को पसंद आ रहा है। अगर हम अपने कुछ बनवाना है तो फिर कहते हैं तो बिल्कुल आपके हिसाब से आप कस्टमाइज करवा रहे हैं तो अलग बात है। काफी सारे ऐसे भी होते हैं जो रेडी रेडी तैयार होते हैं, बिल्कुल शॉप में होते हैं। इसके अलावा भाई क्या? इसके अलावा हमने इसमें फिर मैट डाले, ऐसा आई पी एल के टीपी मैट डाले हैं। ठीक है, अभी गाड़ी में काम चल रहा है, बाहर निकाले हैं गाड़ी से। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं पीएल के डाले हैं, काफी चल रहे हैं आजकल मार्केट में, है ना। इसकी 1 ईयर की वारंटी आती है। बिल्कुल, और वन ऑफ द बेस्ट मैट्स में से एक है, क्योंकि इस मैट में प्रॉपर बकेट बना हुआ आता है। बिल्कुल, 70 वाला चीज नहीं है कि आप और मतलब इसको मोड़ वोड़ लेने से कोई दिक्कत नहीं है। देखो आज एड्रेस अपनी जगह वापसी, तो यहाँ पर इसके अंदर एक ये भी फायदा है, कूड़ा वगैरह जो रहेगा इसी के अंदर रहेगा, आप सीधा निकाला आपने और बाहर जकड़ दिया, कहीं कोई गाड़ी के अंदर आपका कारपेट वगैरह नहीं खराब करेगा। और भाई फ्रंट में क्या काम कर रहा है? फ्रंट में इसमें सर हमने महिंद्रा जेन्युइन की फॉग लाइट लगाई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लुमेक्स कंपनी का आता है। अच्छा, और ये प्रॉपर महिंद्रा जेन्युइन के बॉक्स में आता है। महिंद्रा जेन्युइन बॉक्स में आता है, इतने बड़े बॉक्स में ये क्या नाम है, सिंगल फॉग लाइट आती है। बिल्कुल भाई साहब, प्रॉपर उसके साथ हमारे इसका बेजल वगैरह भी सब कुछ साथ आता है। ठीक है, और प्रॉपर फिटिंग होती है। अच्छा जी, तो यहाँ पर फॉग लाइट की जो रिस्पॉन्स वगैरह है वो हम आपको एंड में अभी फाइनल लुक में जरूर दिखाएंगे। और साथ ही साथ भाई के हाथ में एक की है, तो ये भाई मेरे को ओरिजिनल की तो नहीं लगी? नहीं, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल ही है एक तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, ये देखो तो जो कंपनी से आती है ओरिजिनल टॉप मॉडल में की वही बना के दिए मैंने। अच्छा जी, तो ये की भी बना के दिए, सेंटर लॉकिंग सही लॉकिंग भी लगाई है। कौन सी कंपनी? आरडी कंपनी सेंटर लॉकिंग लगाई, आरडी कंपनी की सेंटर लॉकिंग लगाई है। साथ में ये फ्लिप की आपको यहाँ पर बना करके जो महिंद्रा जेन्युइन आती है, महिंद्रा जेन्युइन आती है, पीछे यहाँ पर आपको महिंद्रा का बैजिंग भी मिलेगी, है ना भाई? तो बिल्कुल, और क्या नाम है जो क्या नाम है, ये सारी चीजें हैं। ये भी लगने के बाद हम आपको फाइनल लुक में आपको फॉगलाइट का रिस्पॉन्स जरूर दिखाएंगे। एलईडी भी नहीं लगेगी, एलईडी डोर वाइपर्स और गार्निश वगैरह लास्ट नेक्स्ट राउंड में भाई, क्योंकि भाई अलॉय व्हील्स भी काफी महंगे हो जाते हैं। आप लोग अगर खाली अलॉय व्हील और छोटे मोटे मॉडिफिकेशन में जाएंगे तो ही आपका लाख रुपए करीब। बिल्कुल भाई, तो ये सारा काम जो है ऑल ओवर एंड में दिखाते हैं आपको। तो भाई गाड़ी फाइनली जो है पूरी तैयार कर दी है हमने, एक एक चीज़ जो है इस काम का, इस गाड़ी का हो चुका है काम, है ना। सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने इसको तैयार करा है। सबसे मेन चीज़ जो हमने आपको बताई थी कि आगे फॉग लाइट प्रोजेक्टर जो है उनका आपको रिस्पॉन्स दिखाएंगे, तो उनका भी रिस्पॉन्स आपको चेक करवाते हैं भाई कि किस तरीके से यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलने वाला है। अभी क्या नाम है, रोड पर ले जानी पड़ेगी, लेकिन भैया काफ़ी जल्दी में, तो उस वजह से हम रोड पर नहीं ले जा सकते, लेकिन यहाँ पर हम आपको ज़रूर जला करके दिखाएंगे किस तरीके से उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। बाकी गाड़ी में जितना भी काम था सारा हो चुका है, डोर गार्ड वगैरह भी यहाँ पर भाई ने इंस्टॉल कर दिए हैं ना, ताकि आपका क्या नाम है कहीं डोर वगैरह खोलते हैं तो लगे ना, पार्किंग वगैरह में टच ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, टच वगैरह ना हो आपका डोर वगैरह, सेफ्टी रहती है उससे काफ़ी। बाकी आगे आपको एलईडी का जो गार्निश के साथ पूरी है डीआरएल के साथ मिलती है। हाँ, ये पूरी डीआरएल विद बेजल सब कुछ इसके साथ आता है, ये आप देख सकते हो। अच्छा, प्रॉपर महिंद्रा जेन्युइन है, कंपनी 24-25 हज़ार रुपए लगा देती है। ठीक है, तो वो जेन्युइन है, जेन्युइन है, प्रॉपर मैंने आपको सारे दिखाए हैं। ठीक है, प्रॉपर महिंद्रा के बॉक्सेस आएंगे, तो उस पर कुछ डिस्काउंट देते हैं आप? हाँ, उस पर डिपेंड करता है, उस पर हम टोटल जो रेट होता है उस पर कर। बिल्कुल, डिस्काउंट जो होता है वो बिल्कुल आपको मिलेगा, एमआरपी पे नहीं है कि एमआरपी पे मिलने वाला है आपको, लेकिन जो जेन्युइन पार्ट है वो एकदम जेन्युइन तरीके से है, प्रॉपर जेन्युइन है हमारा, एज इट इज नहीं है कि हम एमआरपी बता रहे हैं। ठीक है, हमारा एक रेट फिक्स होता है कि ये रेट चलेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से इसकी पूरा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सामने आप देख सकते हैं
इसका आगे रिस्पॉन्स देख सकते हैं, इतना अभी यहाँ पे पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे पहले से ही उजाला है तो, लेकिन काम जो है A1 करके दिया है भाई ने। LED आप इसके अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो, भैया ने नहीं करवाई है। लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाई थी 200 वॉट्स की ब्रेजा के अंदर हमने LED इंस्टॉल करी थी, उसकी एक क्लिप दिखा देते हैं आपको इसी वीडियो के अंदर कि किस तरीके से उसका रिस्पॉन्स था। तो भाई अब आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा अंधेरे के साइड में आ गए हैं कि लाइट की रोशनी कैसे मिलने वाली है। सामने से तो आपको पता ही चल रहा होगा कितनी ज़्यादा रोशनी है, इस साइड से दिखाते हैं आपको पूरा अंधेरा कर करके कि किस तरीके की रोशनी आपको मिलने वाली है। तो भाई अभी उस साइड कैमरा कर दो पूरा सामने, और लाइट पूरी बंद कर रहे हैं हम, पूरी लाइट बंद कर दी हमने भाई। ये रोशनी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, एकदम पूरा अंधेरा है। अभी फॉग लाइट जलाते हैं खाली भाई, फॉग लाइट मतलब प्रोजेक्टर की खाली ये रिस्पॉन्स है, प्रोजेक्टर की रोशनी है बिल्कुल भाई, पूरा दिन निकाल दिया आगे। बिल्कुल भाई साहब, जिसने हेलोजन में चलाई हुई है ना गाड़ी, हाँ। वो सिर्फ प्रोजेक्टर पे भी चला सकता है गाड़ी। बिल्कुल भाई, अब इसकी हेडलाइट जलाते हैं भाई, उसका रिस्पॉन्स देखते हैं। ये हेडलाइट होने वाली है आपकी लो बीम में, लो बीम पे है ना, और हाई बीम अगर जलाएं भाई, हाई बीम में देख सकते हो पूरी रोशनी हो गई भाई, पूरी रोशनी सामने तक आपको मतलब पूरा रिस्पांस मिलने वाला है। आगे 300 मीटर तक का है हाईवे वगैरह पे, तो मतलब एकदम मजा आने वाला है, पूरा दिन हो जाएगा। तो भाई ये रिस्पांस मिलने वाली है आपको 200 वॉट में खाली, अगर उससे ऊपर जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा, है ना। हाँ जी, तो अभी आपने देखी होगी ये रिस्पांस था भाई उस वीडियो का, जिसके अंदर हमने 200 वॉट्स की ब्रेजा के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको दिखाई थी, बढ़िया रिस्पांस मिला था। तो वो भी आप इसके अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो, भैया जो है वो नेक्स्ट राउंड में लगवाएंगे उस चीज़ के लिए। अभी अंदर चलते हैं गाड़ी के और अंदर दिखाते हैं आपको सीट कवर का काम किस तरीके से भाई ने यहाँ पर करके दिया है। सीट कवर भाई कैसे इसके अंदर बताओ लगाए हैं आपने? सीट कवर हमने इसमें प्रॉपर बकेट फिटिंग करके दी है, ठीक है, और जो इसमें प्रॉपर इंटीरियर आता है ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर, अच्छा कॉफी कलर, मतलब मैचिंग में एकदम करा है, मैचिंग में रहती है, कस्टमाइज फिटिंग जिसे कहते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं फिटिंग में कहीं से कोई वो नहीं है, हाँ। कहीं से कोई आपका मतलब जैसे आर्मरेस्ट वगैरह से मैच हो जाए, हाँ प्रॉपर आर्मरेस्ट से मैच होगा, और फिटिंग में भी कोई आपका वो नहीं है, रिंकल रिंकल वगैरह नहीं है, ठीक है, और प्रॉपर फिटिंग जो सोफा फिटिंग होती है वो बकेट फिटिंग प्रॉपर है ना, बकेट फिटिंग प्रॉपर इसके अंदर करके दिए कि अभी तो हमने जस्ट लगाए हैं, ठीक है, तो अभी वैसी फिटिंग नहीं थी, हाँ। इसका हफ्ते में जो परफॉर्मेंस निकलती है वो अलग परफॉर्मेंस निकलती है, बिल्कुल, क्योंकि वो बिट टाइम फोन के साथ बैठते चीज। और जैसे भाई यहाँ पर ये पार्ट होता है काफी सारे, हाँ। लोगों को अब पता चल चुका है और लोग लगवाते भी हैं, सॉफ्ट टच जिसे कहते हैं, तो उसका अपने पास फैसिलिटी अवेलेबल है, सॉफ्ट टच भी होता है, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, वगैरह भी करता हूं मैं, अच्छा सब कुछ PPF का भी काम हो जाता है, PPF से रहने सब करता हूं, सारा काम यहां पर हो जाता है, बिल्कुल PPF का भी काम है। सीट कवर्स आप देख ही रहे हैं काफी बढ़िया लग रहे हैं, पीछे की भी आपको सीट कवर्स दिखाते हैं और उनका भी आपको रिस्पॉन्स चेक करवाते हैं। पीछे का भी आप सीट कवर देख सकते हैं, इनकी फिटिंग देख सकते हैं, प्रॉपर फिटिंग आपको इसके अंदर मिलने वाली है, जो बीच में आर्मरेस्ट वगैरह होता है उस पर भी चढ़ा करके देते हैं ना भाई। ये वाला काम नहीं है कि यहाँ पे हमने एक चेन लगा दी है और उसको बंद कर दिया है, ठीक है, तो मैक्सिमम दुकानें करती हैं, हाँ। यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर फिटिंग करके दी है, प्रॉपर फिटिंग करके दिए। काफी सारे लोग चेन लगा देते हैं और अंदर इसके ऊपर नहीं चढ़ाते हैं, हाँ। तो इसके ऊपर इसको चढ़ा के बिल्कुल फिक्स करके दिया है, फिक्स करके इसके ऊपर चढ़ा करके दिया है यहाँ पर। और अंदर जो एंड्रॉयड सिस्टम है उसके अंदर हम आपको दिखा देते हैं पीछे का कैमरे की क्या क्लैरिटी है। उससे पहले आपको पीछे का कैमरा दिखाते हैं किस तरीके से लगाया और कौन सी कंपनी का लगाया है भाई हमने, फिर वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड ओरा को यूज किया है। अच्छा जी, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, ओरा का हमने एम्प वगैरह और सारी चीजें लगाई थी, स्पीकर्स वगैरह लगाए थे, तो OEM फिटिंग पे करके दिए हैं, जहाँ पे कंपनी करके कंपनी करके देती है OEM फिटिंग वाली जगह पे, यहाँ पे लट्टू वाला जिसे कहते हैं इसे बेसिकली देसी लैंग्वेज में, तो लट्टू वाला यहाँ पर जो कैमरा है वो लगा दिया है, और लैंग्वेज नंबर प्लेट वाला, बिल्कुल बिल्कुल नंबर प्लेट वाला कैमरा। और इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर रियर गार्ड भी लगा दिए हैं, जो कि काफी फैंसी लग रहे हैं, काफ़ी गुड लुकिंग लग रहे हैं, मतलब प्यारे लग रहे हैं। पहली बार मुझे पर्सनली सही बता रहा हूँ, पहली बार मुझे देख करके अच्छा लगा है कि भाई यहाँ अच्छे लग रहे हैं लगे हुए बैक गार्ड विद लुक, वरना लुक तो चली जाती है भाई रियर गार्ड लगने के बाद। और भाई गाड़ी के अंदर आकर के क्वालिटी दिखाते हैं रियर कैमरे की क्या क्वालिटी आ रही है ना। तो यहाँ पर गाड़ी के अंदर हम बैठ चुके हैं और यहाँ पर अभी हम जो इसके कंपनी से जो आता है, कंपनी से सिस्टम लगा हुआ आता है इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बैक कैमरा वर्क कर रहा है। ये एंड्रॉयड है, प्रॉपर एंड्रॉइड प्रॉपर नहीं है, इसमें यूट्यूब वगैरह नहीं चलेगा। अच्छा जी, हाँ ये अगर मैं इसमें चेक करूंगा, ठीक है, आप देखो इसमें यूट्यूब वगैरह नहीं है कहीं। अच्छा जी, लेकिन इसके अगर अंदर इसको अगर हमें बनाना हो इसी को अगर एप्पल कार प्ले वाला, तो इसका कुछ ऑप्शन होता है? हाँ, उसको ऑप्शन है, एक पिकासो लग जाता है, पर उसका लगाने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ प्रॉपर फिटिंग की जगह है और यही चीज अगर हमने लगानी है तो हमारे पास एंड्रॉइड में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। बिल्कुल, उसी रेंज में आपको 464 भी मिल जाएगा, 6128 भी मिल जाएगा मेरे पास में जी, और
264 मिल जाएगा, फिर जरूरी नहीं है कि हम 432 का उसमें पिकासो इंस्टॉल करें, हाइपरसोनिक या किसी भी कंपनी का। बिल्कुल बिल्कुल, और वो वर्थ इट भी नहीं है फिर, वो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा ही होगी, कॉस्ट भी ज्यादा है शायद 15-16,000 के आसपास है। तो उससे बेटर तो भाई 15-16,000 में बहुत ही बढ़िया इसके अंदर एंड्रॉइड सिस्टम लग जाएगा। 464 आ रहे हैं आजकल। बिल्कुल भाई साहब, और उसमें फिर आप 360 कैमरास भी वगैरह भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, हमने प्लग एंड प्ले ही करना है, कपलर ही इसका चेंज करना है। बिल्कुल भाई, तो इसके अंदर अभी हम रेयर कैमरे का जो रिस्पॉन्स है वो दिखा देते हैं भाई। रेयर गियर लगा दिया है हमने भाई, बैक गियर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिटी आपको A1 मिलने वाली है प्रॉपर। ये थोड़ा 360 डिग्री पूरा होगा। हाँ, ये कवर कर रहा है, डिग्री कवर करता है। ठीक है, पूरा आपका यहाँ से लेकर, ठीक है, पूरा मतलब एरिया जो है जितना गाड़ी को हिसाब से चाहिए। हाँ, मैं गाड़ी के हिसाब से चेक करने लगाता हूँ। बिल्कुल भाई, ये बहुत ही बढ़िया एरिया कवर कर रहा है। और मूविंग में होने वाला है, कैसे होने वाला? नहीं, ये नॉर्मल होता है मूविंग लाइन में, फिर उसमें कोई फायदा नहीं होता। हाँ, हाँ, ऐसा, क्योंकि उसमें क्या है, सिर्फ लाइन्स मूव करेंगे, वो भी तब जब की गाड़ी मूव कर रही है। हाँ, ये नहीं कि आप स्टेयरिंग घुमा रहे हो और उसकी लाइन्स मूव कर रहे हैं। डायनामिक लाइन्स, डायनामिक लाइन्स का मतलब गाड़ी मूव कर रही है, बस इसके लिए होता है, बिगिनर्स के लिए होता है जनरली। ओके, आप जब ऐसे रिवर्स कर रहे हो ना, क्योंकि बहुतों की आदत है रिवर्स कर रहे देखने की या यहाँ देखने की, तो ये पता रहता है कि हमारा स्टेयरिंग कैसे जा रहा है, गाड़ी कैसे जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, बेसिकली बिगनर्स के लिए, बिगनर्स लगाने के लिए कोई फायदा नहीं है कि, पर मिल सारे जाते हैं, मिल सारे जाते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप क्या लगाना चाहते हो। हमारी सजेशन ये है कि मतलब आप नॉर्मल भी लगा सकते हो, नॉर्मल लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बस ये आपको थोड़ा सा रेट इंक्रीज करने वाली बात है। बिल्कुल भाई, तो इसके बाद यहाँ पर काफी बढ़िया इसके अंदर जो नाइट विजन है वो बढ़िया मिलने वाला है। रात का वक्त है और अच्छी यहाँ पर आपको विजन मिलेगा, है ना। HD कैमरा है। हाँ, ये HD कैमरा है और 1280p चलता है, 1280p पे चलता है। HD कैमरा मिलने वाला है आपको, और अंदर हमने यहाँ पर मैट भी लगाए हैं। हाँ, वही जो मैंने मैट्स आपको बाहर दिखाए थे, प्रॉपर बकेट फिटिंग वाले। ठीक है, बकेट फिटिंग आती है, बस इसको हमें इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, और 1 ईयर की वारंटी आती है इन मैट्स में। 1 ईयर की वारंटी मिलेगी आपको यहाँ पर इसकी, SIPL कंपनी का, SIPL प्रो कंपनी का ये आपको मिलने वाला है प्रॉपर, और बढ़िया फिटिंग में रहेगा। और जिस गाड़ी का होगा उस गाड़ी की फिटिंग में मिलेगा प्रॉपर, उस गाड़ी का ऑटोमेटिक होगी ऑटोमेटिक, मैनुअल होगी मैनुअल, मैनुअल होगी मैनुअल में मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये सारा काम हमने भाई इस गाड़ी के अंदर कर दिया है, और कुछ रहता है अभी हमारा इसमें, बस जो नेक्स्ट राउंड में अगला काम होगा बस। बिल्कुल, तो कस्टमर से पूछ लेते हैं एक बार, उनको कैसा लगा सारा काम, है ना, उनसे भी पूछते हैं, उनका भी पता चले कि भाई उनका क्या रिव्यू है इस काम के बाद। तो भाई गाड़ी तो पूरी अपने दिखा दी है, लेकिन जिनकी गाड़ी थी उनसे भी पूछ लेते हैं, उनको कैसा लगा आफ्टर ये सारा काम करवाने के बाद। तो भाई कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, थोड़ा बताइए। मैं, मेरा नाम मनोज चौहान है और मैं यही पड़ोस से करहेड़ा गाँव से हूँ। अच्छा अच्छा, ये पास के ही हैं? पास का ही हूँ। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने 2 गाड़ियों में अपना काम कराया, यहीं कार निखार से, यहाँ नहीं कराया था, मैं एक बार करोल बाग से करा करके आया था, और इंदिरापुरम में, इससे पहले इंदिरापुरम में कराया था। अच्छा, तो यहाँ पर आने, यहाँ पर कैसे आया? मतलब? मुझे किसी ने रेकमेंड किया तो मैं यहाँ आया। ठीक है, और मैंने यहाँ जो काम इन्होंने किया है देखा है, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है, सारे जेन्युइन ओरिजिनल पार्ट डाले हैं, वाजिब दाम है, और पिछली 2 जगह जहाँ मैंने काम करा था उनसे लाख दर्जे बेहतर है, लाख दर्जे बेहतर है, करोल बाग से तो बेहतर ही, बहुत बेहतर है, वहाँ तो 420 है, वहाँ तो बस जाना ही बेकार है। बिल्कुल, ठीक है, और ये कार निखार पे मुझे रिकमेंड किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जेन्युइन क्वालिटी के, क्वालिटी वर्क में, और प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा था। अच्छा, ऐसा नहीं कि क्वालिटी के साथ पैसे भी बढ़ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जेन्युइन पार्ट अगर लेते हैं तो लिटिल बिट तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, ओरिजिनल पार्ट लगाए हैं, लेकिन वो नहीं है कि कोई लूट मार वाली बात आ जाए, बिल्कुल आटे में नमक जैसा इन्होंने अपना काम किया है। बिल्कुल, काम काफी बढ़िया करा है और काफी रीजनेबल प्राइस के साथ क्वालिटी वर्क करा है। अगर हम क्वालिटी पे जाएंगे तो हमें थोड़ा बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लोकल तो कहीं से भी हो जाता है। बिल्कुल, उसके लिए तो इतनी बड़ी मार्केट दिल्ली में हमारे पास है, करोल बाग कश्मीर। तो भाई बिल्कुल क्वालिटी वर्क अगर आपको कराना है साहिबाबाद गाजियाबाद में तो भाई भी यही रिकमेंड, बिल्कुल 101%, कहीं से भी आ जाओ, दिल्ली जाना बेकार है, इनके पास आओ और उसी रेट में लगभग बहुत अच्छा काम होना है। करोल बाग और इंदिरापुरम में कराने के बाद यहाँ पर जो कराया है आपने, अब इसके बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं, नेवर, अब तो यही कंटिन्यू आना है, कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके दोस्त रिश्तेदार भी? हाँ, सभी डेफिनेट मैं रिकमेंड करूंगा। बिल्कुल, और भाई के साथ इनके छोटे बेटे भी आए थे, वो कहना में शर्मा रहे हैं थोड़े, वो नहीं आ पा रहे हैं सामने, कोई बात नहीं, बेचारा सुबह से वो भी लगा हुआ है, पूरी गाड़ी उसने भी तैयार करवाई है भाई, तो सामने खड़े हो गए अपने, हाँ अंकल खड़े हैं उनके साथ ही खड़े हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, खुद करवाई है जितनी तो, मेरी मेहनत है, फिटनेस की मेहनत है, उतनी उसकी मैं भी मानूंगा, उतनी उसकी भी मेहनत है। बिल्कुल भाई, तो थैंक यू सो मच भाई यहाँ पर आने के लिए, काम करवाने के लिए, और थैंक यू सो मच भाई ये वीडियो बनवाने के लिए, आप लोगों का देखने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ पर आ सकते हैं कार निखार पे, बहुत ही अच्छा बेहतरीन काम आपको क्वालिटी वर्क करके देते हैं। एड्रेस और नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, नंबर लगातार स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, आप लोग बिल्कुल कॉल करिए, पता करिए, और बिल्कुल आइए यहाँ पर। टिल देन, बाय।